अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद आवर मैथ्स क्लास। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7, एक्सरसाइज 1B। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर विच इज 5000 मोर देन दिस नंबर। अब उसने एक नंबर दे दिया, उसने वर्ड यूज किया मोर देन। मोर देन मीन्स इससे ज़्यादा। सो वी हैव टू एड 5000 टू दिस नंबर। नाउ आई हैव रिटन बोथ द नंबर्स वर्टिकली, ठीक है। अब इनको ऐड करने के लिए मैंने इनको वर्टिकली लिख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको ऐड करना। हमने 5000 को यूनिट साइड से प्लेस करना स्टार्ट किया, इसलिए ये एंड कर रहा है थाउजेंड्स प्लेस तक, ठीक है, बिकॉज ये 4-डिजिट नंबर है, ठीक है। अब हम यूनिट साइड से एडिशन स्टार्ट करते हैं। 4+0 वी हैव 4, 2+0 वी हैव 2, 6+0 वी हैव 6, देन 5+5 वी हैव 10, 0 प्लेस किया यहाँ, 1 कैरी ले लिया, ठीक है। उसके बाद 4+1 वी हैव 5, 0 ऐसे ही आ जाएगा और जो डिजिट्स रह गए वो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने 5000 इस नंबर में ऐड कर दिया। सिमिलरली वी हैव बी एंड सी पार्ट। बी पार्ट देखें, 800 मोर देन दिस नंबर। अब इस नंबर में हमने 800 ऐड करना है, ठीक है। हमें पता है हमने यूनिट साइड से ही एडिशन स्टार्ट करनी होती है अपनी, तो हम लोग यूनिट साइड से ही नंबर को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस में ये फर्स्ट 0, सेकेंड डिजिट 10th प्लेस में और थर्ड वाला 100th प्लेस में हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने एडिशन स्टार्ट की एंड देन वी गेट 2+0 इक्वल्स टू 2, 8+0 वी गेट 8 एंड 3+8 वी गेट 11। अब ये 1 यहाँ रह गया और 1 कैरी ले लिया, 1+5 वी गेट 6। अब बाकी के डिजिट्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया 800 इस नंबर के अंदर। अब सी पार्ट में देखें, सी पार्ट भी एक्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। इसमें 20000 मोर देन दिस नंबर, ये एक नंबर दे दिया उसने, इसमें हमने 20000 ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने पिछले दो पार्ट्स किए हैं वैसे ही हमने इसमें एडिशन करनी है। डी पार्ट में भी उसने कहा 12000 मोर देन दिस नंबर। अब एक 7-डिजिट नंबर है और एक 5-डिजिट नंबर है, ठीक है। 7-डिजिट नंबर को हमने ऊपर प्लेस किया और जो 5-डिजिट नंबर था उसे यूनिट्स से स्टार्ट करके उसके डिजिट्स को पुट किया तो वो आए 10000 की प्लेस तक, ठीक है। इनकी एडिशन भी एक्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे हमने पहले दो पार्ट्स में की। आई हैव कम्प्लीटेड दिस क्वेश्चन फॉर यू। अब ए एफ पार्ट तक मैंने ये कम्प्लीट किया हुआ, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1B का अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स उसने बुक के ऊपर ही वर्टिकली लिख के दिए हुए, आपने इनको सॉल्व कर लेना है बुक के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन मैच योर आंसर्स आफ्टर सॉल्विंग देम ऑन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपने अपनी नोटबुक्स पर आज सॉल्व करना है, ठीक है, जो मैंने आज करवाया आपको, प्रॉपर डेट एंड टॉपिक के साथ मार्जिनलाइज्ड टॉपिक के, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।